नमस्ते, मैं हूं बाल रोहतगी। मैं सलमान खान जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मगर जितना मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट और उनका नेचर के बारे में सुना है और पढ़ा है रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत एंड सर्टन अदर इश्यूज, मुझे लगता है कि शायद बीइंग ह्यूमन का ड्रामा बहुत समय से इसलिए किया गया है क्योंकि हिट एंड रन केस में वो इन्वॉल्व थे। अब हिट एंड रन केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया है, सो आई विल नेवर क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, मगर ही वॉज प्रेजेंट इन दैट हिट एंड रन केस एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी उन्होंने बीइंग ह्यूमन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करी लोगों के अंदर ये थॉट प्रोसेस जनरेट करने के लिए कि वो एक अच्छे इंसान है, क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होता है वो अपनी अच्छाई चुपचाप करता है मगर अपनी अच्छाई के बदले पीआर एक्टिविटी नहीं करता। नाउ आई हैव हर्ड दैट बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन डज मनी लॉन्ड्रिंग एज पर द क्लेम्स ऑफ अभिनय कश्यप या अनुराग कश्यप के भाई है जिन्होंने उनके साथ दबंग 2 डायरेक्ट करी थी या करने वाले थे। वॉट एवर द सच्चाई, आई होप द ट्रूथ कम्स आउट, बट समवेयर सलमान खान जी यू हैव हर्ट मी अ लॉट बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। आप ऑब्वियसली किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी बहन के हस्बैंड को लॉन्च कर सकते हैं या सूरज पंचोली को लॉन्च कर सकते हैं, मगर आप दादागिरी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा बॉलीवुड आपकी जायदाद नहीं है। इफ यू डोंट लाइक अ सर्टन पर्सन दैट डज नॉट मीन यू मेक योर सेल्फ और योर ब्रदर्स और योर फादर कॉल अप प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड आस्क देम टू नॉट वर्क विद हिम, बिकॉज ये विवेक ओबेरॉय के साथ भी हुआ था। वी हैव हर्ड हिज स्टोरी बिकॉज वी हैव रेड हिज पोस्ट ऑल्सो, और हम सबको पता है कि क्या हुआ था वेन ही हैड कॉल्ड यू अप रिगार्डिंग दैट होल ऐश्वर्या राय इशू। सो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कर्मा की बात करने वाले लोग को ये समझना चाहिए कि कर्मा उनके ऊपर भी कभी हावी हो सकता है एंड समवेयर बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मे बी इज अ पीआर एक्टिविटी। नमस्ते।